अकोला में एक बार फिर शहर के बीचों बीच स्थित जनता भाजी बाजार का मुद्दा गर्मा गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जनता बाजार संघर्ष समिति द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि न्यायालय द्वारा मानपा के जनता भाजी बाजार से व्यवसायियों को हटाने और बाजार खाली कराने के आदेश पर स्थगन था। लेकिन फिर एक बार अकोला पूर्व के विधायक रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अकोला के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो पत्र के माध्यम से स्टे को हटाने की मांग की, इसी बात पर संघर्ष समिति ने विरोध जताते हुए 7 अक्टूबर को जनता बाजार बंद रखने का ऐलान किया और 6 और 7 अक्टूबर को 2 दिन का धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने रखा गया। इनकी मांग है किसी भी हालत में जनता बाजार को बेचने नहीं दिया जाएगा। लोग तो महानगर पालिका के ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है और 250 से 300 लोग यहाँ पे रोज दुकान लगाते हैं। ऐसे 1000 से 1100 लोगों की रोजी रोटी यहाँ पे चलती है, जिसको खत्म करने का काम यहाँ की बीजेपी की लोकल बॉडी जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि इनको यहाँ से हटा के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिसकी लड़ाई हमारी पिछले 3-4 साल से चालू है। लेकिन अभी इसके अंदर नई चीज़ ये आई कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो हमारे जो प्रिय आमदार है रंजीत सावरकर जी, इन्होंने एक लेटर दिया है उप मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये स्टे जल्दी से जल्दी हटाया जाए और ये जगह का हमको ताबा दिया जाए। तो हमारे पालक हमारे मनियार जी और हमारी टीम सावरकर जी के पास मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा मुझे प्रकरण मालूम ही नहीं, जबकि उनका खुद का लेटर रिकॉर्ड पे है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठों को ये बात पहुंचे कि यहाँ पे क्या चल रहा है।